हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि एसएससी की तरफ से एक नोटिस यहां पर निकल कर आई है, जिसमें कि दोस्तों इन्होंने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी निकाली है, जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी निकाली है और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की इनकी तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए दोस्तों ऑलरेडी फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं 22 अगस्त 2023 से और 12 सितंबर 2023 जो हैं वो इन वैकेंसीज के लिए लास्ट डेट रहने वाली है दोस्तों। और इसके लिए आपको फॉर्म जो है वो ऑनलाइन सबमिट कराना होगा, ठीक है दोस्तों। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, मान लीजिए आपने फॉर्म जो है फिलअप किया, उसके बाद आप चाहते हैं कि अपने फॉर्म में कुछ करेक्शन करना दोस्तों, तो उसके लिए यहाँ पर विंडो ओपन रहेगी 13 सितंबर से लेकर 14 सितंबर 2023 तक, ठीक है। तो इस डेट को आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपने फॉर्म को करेक्शन कर सकते हो अपने फॉर्म की। नीचे यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि जो वैकेंसी यहाँ पर इनकी तरफ से निकाली गई है उसके लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा, जो कि अक्टूबर 2023 में लिया जाएगा। डेट इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं की है, मंथ यहाँ पर मेंशन किया है कि अक्टूबर के महीने में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम लिया जाएगा। नीचे यहाँ पर डिटेल दी गई है कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी सैलरी रखी गई, जैसे कि दोस्तों जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की अगर हम बात करें तो लेवल 6 के हिसाब से आपकी सैलरी मिलेगी 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक आपकी सैलरी हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट है आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर्स के लिए ये पोस्ट रखी गई है, जिसके लिए सैलरी यहाँ पर लेवल 6 के हिसाब से ही आपको मिलेगी 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। नंबर थर्ड अगर हम बात करें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये वैकेंसीज निकाली हैं, जिसके लिए आपको लेवल 6 के हिसाब से ही आपको सैलरी मिलेगी 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, यहाँ पर वैकेंसी है सीनियर ट्रांसलेटर की, बहुत सारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ के लिए ये पोस्ट रखी गई है, जिसमें कि आपको यहाँ पर लेवल सेवन के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये के बीच में आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है दोस्तों। नीचे चलकर यहाँ पर डिटेल आप देख सकते हो कि कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है, क्या आगे यहाँ पर मिनिस्ट्री का नेम या ऑर्गेनाइजेशन का नेम यहाँ पर रहने वाला है और आगे फिर यहाँ पर क्या किया गया है, वैकेंसीज को कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर डिवाइड किया है। जैसे कोई एक आध पोस्ट हम देख लेते हैं, जूनियर ट्रांसलेटर की अगर हम बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी है, इसके लिए आपका ये जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों CAG ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर रहने वाला है जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए। आगे आप यहाँ पर देख सकते हो इन पोस्टों को आगे डिवाइड किया है, ये जो जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट है इनको आगे कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। हम डायरेक्ट यहाँ पर नीचे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों टोटल कितनी वैकेंसी इनकी तरफ से निकाली गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 307 यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है वो SSC की तरफ से यहाँ पर रिलीज़ की गई है दोस्तों। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए एज लिमिट देख लीजिए इन पोस्टों के लिए। सबसे पहले मिनिमम आपकी एज जो है 18 साल अगर आपकी है एज तो आप यहाँ पर एलिजिबल है, मैक्सिमम यहाँ पर 30 इयर्स जो है एज रखी गई है। इसके अलावा एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, जैसे कि आप जानते हैं SC ST कैटेगरी वालों के लिए 5 साल की छूट है, OBC कैटेगरी वालों के लिए 3 साल की छूट है, PWD अनरिजर्व में अगर आप आते हैं तो 10 साल की छूट है आपको एज में, PWD OBC कैटेगरी में आते हैं तो 13 साल की आपको एज में छूट है, इस तरीके से PWD SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 15 साल तक यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है दोस्तों, ये तो आप जानते ही हो। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन पोस्टों में अप्लाई करने के लिए तो आपको ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना होगा। यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर ये जो पोस्टें निकाली गई हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या रखी गई है कि मास्टर डिग्री आपने किया होना चाहिए हिंदी में और हिंदी आपका और इंग्लिश आपका क्या होना चाहिए कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट रहना चाहिए, या फिर दोस्तों और में बताया है कि अगर आपने मास्टर डिग्री जो है इंग्लिश से की है तो साथ ही साथ हिंदी जो है आपका कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट रहना चाहिए दोस्तों, तब जाके आप यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इस तरीके से अगर हम बात करें दोस्तों सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, सीनियर ट्रांसलेटर की जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में ये जो पोस्टें रखी गई हैं,
तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। मास्टर डिग्री किया होना चाहिए आपने हिंदी हिंदी से, और इंग्लिश जो है आपका कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। या फिर दोस्तों अगर आपने मास्टर डिग्री जो है इंग्लिश से की है तो हिंदी आपका कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट रहना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो इस तरीके से आर में आप यहाँ पर देख लीजिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है आपसे, और यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। दोस्तों थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इन पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो SSC की है उस पर आपको जाना पड़ेगा, जो कि है SSC.NIC.in। तो इस वाली वेबसाइट पर आपको जाना है और ऑनलाइन मोड से अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कराना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए फीस क्या रखी गई है। तो फीस यहाँ पर इन पोस्टों के लिए 100 रुपीज़ रखी गई है। अगर आप वोमेन कैंडिडेट हैं या SC ST कैटेगरी से आते हैं या PWD कैटेगरी से आते हैं या फिर एक्स सर्विस मैन कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। इसके अलावा बाकियों के लिए 100 रुपीज़ जो है फीस रखी गई है। और ये आपको किस तरीके से आप पे कर सकते हैं तो यहाँ पर मोड्स भी बताए गए हैं, जैसे कि भीम UPI से आप पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से आप पे कर सकते हैं, मास्टर कार्ड से पे कर सकते हैं, रुपी क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड से आप ये जो फीस है ये ऑनलाइन मोड से पे कर सकते हैं। दोस्तों नीचे यहाँ पर विंडो बताई है कि कब से यहाँ पर फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्ट करने की विंडो ओपन रहेगी। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया 13 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक यहाँ पर विंडो ओपन रहेगी। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। यहाँ पर सेंटर्स की डिटेल दी गई है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म्स फिलअप करोगे दोस्तों उस टाइम पर आपको ये सेंटर्स जो हैं फिल करने होंगे कि कहाँ पर आप चाहते हैं एग्ज़ाम देना। तो आप अपने नीरेस्ट में जो भी आपको जगह होगी वहाँ के लिए दोस्तों आप यहाँ पर ये सेंटर चूज़ कर लीजिए, ताकि आपको पेपर देने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी के साथ वहाँ पर जा सको। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगी। ठीक है, तो ये आपके दो पेपर होंगे। पहला पेपर जो है वो कंप्यूटर बेस्ड लिया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर फर्स्ट में, और जो पेपर सेकंड आपका रहेगा ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा दोस्तों। इसमें ट्रांसलेशन और ऐसे जो है आपको ये लिखना होगा। 200 मार्क्स का यहाँ पर ये रहने वाला है और 2 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है कि फर्स्ट पेपर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे, जिसमें आपको एक जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, और इसके लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहेगी। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये दिया गया है सिलेबस, ठीक है, जैसे पेपर फर्स्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा और पेपर सेकंड के लिए ट्रांसलेशन और ऐसे यहाँ पर रहने वाला है आपका। तो इसकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और अगर इम्पोर्टेंट हमसे छूट जाता है तो वो हम देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आपको दे दी है दोस्तों, और मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच।